नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल लेट्स लर्न। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट वाटरप्रूफ स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहा हूं और इनका टेस्ट भी करने वाला हूं। तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला नंबर पे जो फोन है वो है मोटो जी टर्बो एडिशन। अगर इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये फोन का जो डिस्प्ले है वो 5 इंच HD डिस्प्ले है। प्रोसेसर जो है वो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसका जो कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल कैमरा। 13 मेगापिक्सल जो कि रेयर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है। ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 16 GB और रैम है 2 GB। दोनों स्लॉट में 4G सपोर्ट करता है। इस फोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.1.1। इसका इनबिल्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि सच में ये फोन वाटरप्रूफ है या नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यह फ़ोन काम करता है कि नहीं। अगर इसका डिस्प्ले में नज़र डालेंगे तो ये देखिए डिस्प्ले भी फाइन वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब यह फ़ोन 100% वाटरप्रूफ। दूसरा नंबर पर जो फ़ोन है वो है सोनी एक्सपीरिया ZR। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन पर नज़र डाले तो ये 4.6 इंच HD डिस्प्ले में आता है। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन जो है वो है 1280x720 pixels। कैमरा जो है रेयर कैमरा है 13 मेगापिक्सल और फ्रंट फेसिंग कैमरा है 5 मेगापिक्सल। ये 1.5 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर में चलता है। इसका जो रैम है वो है 2 GB और वो बैटरी लाइफ है वो है 2300 mAh। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं क्या सच में ये फ़ोन वाटरप्रूफ है या नहीं। दोस्तों टेस्ट के बाद ये फ़ोन भी बिल्कुल काम कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्प्ले भी चल रहा है। तो इसका मतलब भी ये फ़ोन भी एक 100% वाटरप्रूफ फ़ोन है। दोस्तों तीसरा नंबर पर जो फ़ोन है वो है सोनी एक्सपीरिया M2 एक्वा। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इसका जो डिस्प्ले है वो है 4.8 इंचेस। कैमरा जो है रेयर कैमरा है 8 मेगापिक्सल। फ्रंट फेसिंग कैमरा है 1.1 मेगापिक्सल। प्रोसेसर जो है वो है 1.2 GHz क्वाड कोर कॉर्टेक्स S7 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर। और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 4.4.2 यानी कि किटकैट वर्जन। अगर हम इस फ़ोन की बैटरी लाइफ की बात करें तो ये जो बैटरी का MAH है वो है 2300। और रैम की बात करें तो 1 GB रैम है। इंटरनल मेमोरी जो है वो है 8 GB। तो चलिए अब इस फोन का टेस्ट लेते हैं। दोस्तों ये फ़ोन भी काम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी फ़ोन मैंने टेस्ट किया है ये सब मतलब लगभग 30 मिनट से ये पानी होल्ड करके रख सकता है। मतलब अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा ये पानी में डुबा कर रखते हैं तो ये फ़ोन ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमें कमेंट करके बताइए आपका वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा।